Hi guys, how are you today? I'm Javin and you're welcome to my YouTube channel Wafu English Guru. दोस्तों आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश की, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं सर प्रैक्टिस के दौरान हम इंग्लिश बोलने में यानी उस टॉपिक को डिफाइन करने में अटक जाते हैं और हमें फ्लो नहीं मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपने टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने फ्लो को जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपका कोच भी आपको यही कहता है कि 5 मिनट आप थोड़ा उछलिए, जंप कीजिए ताकि आपकी बॉडी वार्म अप कर जाए। इसी तरीके से आपने क्रिकेट में देखा होगा जब क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स होते हैं जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, उसके बाद ही वो क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, उस गेम को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब आप टॉपिक बोलते हो, किसी टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने घर में अपने क्लासरूम में, तो आप डायरेक्ट टॉपिक को मत बोलिए क्योंकि आपके लिप्स रिदम में नहीं आ पाते हैं, वो वार्म अप हो पाते हैं। आपको अपने लिप्स और अपने मुंह को यानी आपके माउथ को अपने जॉ को इसको रिदम में लेके आना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, Myself, यानी कि मेरा परिचय, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन सबको आता है। किसी को छोटा आता है, किसी को बड़ा आता है, किसी को अच्छी क्वालिटी का आता है, किसी को थोड़ा कम क्वालिटी का आता है। दोस्तों कई तरीके के Myself होते हैं, जैसे कि आप क्लास में कोई आपका इंट्रोडक्शन लेता है तो आप उसमें अपने Myself को सुना सकते हो। आप जॉब इंटरव्यूज में जब किसी हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति से आप मिलते हो उसको आप अपना छोटा सा Myself यानी एक इंट्रो आप देते हो जिससे कि वो बिल्कुल इंप्रेस हो जाता है। दोस्तों इन Myself के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज का जो मेरा Myself है वो है आपका प्रैक्टिस Myself। किस तरीके से हम किसी Myself को लेकर उसकी प्रैक्टिस करके हम अपने टॉपिक्स की और भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक डेमो दूंगा, सबसे पहले मैं आपको Myself सुनाऊंगा प्रैक्टिस वाला और उसके बाद फिर मैं आपको एक टॉपिक सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको धीरे आपको बता देता हूं कि Myself है क्या। आपको इस तरीके से बोलना है, हाय गाइस हाउ आर यू टुडे, टुडे आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट Myself। आई एम अपना नाम, आई लिव इन जहां आप रहते हो, और माय फादर इज बिजनेसमैन, माय मदर इज हाउसवाइफ, आई एम एनर्जेटिक, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम एमिएबल, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, I can speak English fast, I can speak English automatically, rapidly and correctly, I wanna be job बनना चाहते हैं, और my hobbies जो भी आपकी hobbies हम लगा लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक डेमो देता हूं, आप इसे थोड़ा सा देखो, आपको याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा और फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से बोले, डेमो मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि Hi guys, how are you today? Today I'm gonna tell you something about myself. I'm Javin. I've been born and grew up in Delhi. My father is businessman. My mother is housewife. I'm energetic, always think positive. I'm good teenager. I'm optimistic. I am amiable. I have good knowledge of English. I have good knowledge of computer. I have good knowledge of internet. I can speak English fast. I can speak English automatically, rapidly and correctly. I want to be CA. My hobbies are singing and dancing. Now topic. The topic is public speaking phobia. Many students, whenever they speak in front of the public, they get butterflies in their stomach, they get agitation. So I want to give you one suggestion, one advice. Whenever you speak, you must record yourself, by which you can check out your body language, way of talking, your grammar and all. So first of all, Myself, then your topic. The flow will come, then you will speak out. डायरेक्टली आप टॉपिक बोलोगे तो आपको फ्लो नहीं मिलेगा, आप वहां पे अटकते रहोगे। आप सबसे पहले अपने लिप्स को वार्म अप कीजिए, अपने जॉ को वार्म अप कीजिए और फिर आप उस टॉपिक को बोल सकते हैं। दोस्तों इसे आप ट्राई कीजिएगा, दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा और आपकी बिल्कुल हेल्प होगी। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो टीवी शोज आते हैं, जो डांस शोज होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो लोग उसमें प्रतिभागी होते हैं वो लोग एक कमरे में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बड़े शीशे होते हैं, वो अपनी बॉडी को देखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल में कि आप कैसे बोलते हो, आप कैसे खड़े होते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके के शब्दों को बोलते हैं, आपकी स्पीड क्या है, ये सारी चेक कीजिए दोस्तों। जब प्रैक्टिस में उतरना ही है तो क्यों ना अच्छे से हम प्रैक्टिस करें। दोस्तों अब मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स दे रहा हूं। अगर आप घर पर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आप स्मॉल स्मॉल टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप अपने बेडरूम को डिफाइन कर सकते हो, आप स्वीट होम के बारे में डिफाइन कर सकते हो, आप रिमोट को डिफाइन कर सकते हो, आप कोई भी बुक डिफाइन कर सकते हो, आसपास की हर चीज़ को डिफाइन कीजिए इंग्लिश में। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी स्वीट मेमोरीज, जैसे आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, कोई मैरिज पार्टी हुई है, उसको डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप सॉरी डे, थैंक यू डे, प्लीज़ डे, जिस दिन आपने किसी को प्लीज़ बोला हो, सॉरी बोला हो, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। दोस्तों इंग्लिश बहुत आसान है, इसको आप डिफिकल्ट मत समझिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए। जैसे कि हम हिंदी जब हम बोलते हैं तो हम अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं,
इसी तरीके से जब आप इंग्लिश बोलते हो तो एक ही फॉर्मेट को मत पकड़ के रखो कि हाय गाइस हाउ आर यू टुडे। अरे भाई इंग्लिश जो है वो लिविंग लैंग्वेज है, मरी हुई लैंग्वेज नहीं है। इस पे भी एक्सपेरिमेंट करिए, अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इंग्लिश सीखने में मजा आएगा। दोस्तों जिस प्रोसेस को हम इंजॉय नहीं करते हैं, जो प्रोसेस हमें बोरिंग लगती है, उसे हम छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों हमें इंग्लिश सीखने में मजा नहीं आता है क्योंकि हम उसे बोरिंग तरीके से लेके चलते हैं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको इंटरेस्टिंग मेथड्स बताएंगे, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। So if you like this video, please share it and subscribe our YouTube channel, Wafui English Guru. Bye bye, see ya.